तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के इंडिया के विजिट से इंडिया को बॉर्डर इश्यूज और ट्रेड कीमत में कितना नुकसान होगा और मजीद कितना नुकसान इंडिया बर्दाश्त कर सकेगा। चाइना के साथ ट्रेड कीमत में इंडिया ऑलरेडी नुकसान बर्दाश्त कर रहा है और अब इस विजिट से लग रहा है चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर के डिस्प्यूट्स पर भी कम्प्रोमाइज करेगा। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या इंडिया चाइना पर भरोसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान और चाइना बिल्कुल इसी तरह से ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान। और अगर हिंदुस्तान चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहेगा तो किस बिना पर? ये हिंदुस्तान के लिए मुमकिन ही नहीं, सवाई इसके कि अगर चाइना के साथ रिलेशंस ठीक करना है तो दो रास्ते हैं। एक ये कि बॉर्डर पर चाइना के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं इन पर इंडिया को कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समिट नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान शुरू हो रही है इसकी मेन वजह पिछले साल का वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से चाइना और इंडिया ने अपनी अपनी आर्मीज को बॉर्डर पर लाकर खड़ा किया था और दो महीने से ज्यादा के अरसे तक ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे चाइना और इंडिया के दरमियान जंग छिट जाएगी। मगर आखिरकार नरेंद्र मोदी को कम्प्रोमाइज करके चाइना जाना पड़ा और मुजाकिरात के बाद दोनों कंट्रीज चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान मामला कुछ ठंडा हुआ और दोनों ने अपनी आर्मीज को बॉर्डर से विथड्रॉ किया। ये विजिट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये तनाजा दरअसल चाइना का हिंदुस्तान के साथ कम और भूटान के साथ ज्यादा है। चाइना इंडिया और भूटान का बॉर्डर डोकलाम में आपस में मिलता है। चाइना पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा था अपने उन एरियाज में जो भूटान और इंडिया के बॉर्डर के साथ है, जिससे हिंदुस्तान को ये डर था कि अगर चाइना ने अपने साइड पर मुकम्मल तौर पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तो इससे हिंदुस्तान और भूटान दोनों को निहायत ही खतरा लाहक होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान और भूटान दोनों की साइड पर बॉर्डर एरिया पर जो एक्सेस है वो निहायत ही तंग और दुश्वार है और ये दोनों कंट्रीज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से डेवलप भी नहीं कर सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल को बांप कर हिंदुस्तान ने चाइना को ये धमकी दे डाली कि अगर चाइना ने इस बॉर्डर एरिया में रोड डेवलपमेंट का काम बंद नहीं किया तो चाइना पर इस काम को रुकवाने के लिए हमला कर देंगे, जिसके जवाब में चाइना अपनी फौजें सरहदें पर लाकर खड़ी कर दी और इंडिया ने भी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चाइना जिस एरिया में डेवलपमेंट करना चाह रहा है वो दरअसल भूटान के बॉर्डर के साथ ज्यादा करीब है और इंडिया के लिए निस्बतन दूर। फिर भी हिंदुस्तान अपनी आदत की वजह से मजबूर होकर इस काम को रुकवाने के लिए कूद पड़ा। इंडिया इस डेवलपमेंटल काम को रुकवाने की एक और बड़ी वजह यह है कि अगर चाइना ने इस एरिया में अपनी डिफेंस मजबूत की तो वो आसानी के साथ हिंदुस्तान को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालया, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और आसाम से बड़ी आसानी के साथ अलग कर सकता है, क्योंकि ये जो मैंने जितने भी नाम बताए हैं ये सभी इंडिया से सिर्फ एक बारीक हाईवे के साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस चाइनीज चेक पोस्ट के नीचे से गुजरता है और सोने पे सुहागा। इन सभी जगहों पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स अपनी उरूज पर हैं और इनफेक्ट नागालैंड ने तो अपनी आजादी का भी ऐलान कर दिया है और आसाम में मोदी गवर्नमेंट ने तकरीबन 25 लाख मुसलमानों से शहरियत छीन ली है। इस तमाम सूरत हाल में अगर चाइना इस एक छोटे हाईवे को बंद कर दे तो वो तमाम लोग इंडिया से खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, इसलिए इस हाईवे का नाम चिकन नेक दिया गया है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है, क्योंकि वो इन सभी स्टेट से इस एक हाईवे की वजह से जुड़ा हुआ है और कोई भी इस हाईवे को बंद कर दे तो ये तमाम स्टेट्स इंडिया से आजाद होने में देर नहीं लगाएंगे। और अब जब चाइना ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया तो हिंदुस्तान इस उम्मीद में है कि जैसे वो प्रोजेक्ट रोका था इसके बावजूद अच्छे रिलेशंस डेवलप होंगे। फर्ज करें अगर हिंदुस्तान और चाइना अपने बॉर्डर इश्यूज को साइड करके आगे बढ़ने की बात करते हैं तो इसमें चाइना को ज्यादा फायदा होगा और हिंदुस्तान को ज्यादा नुकसान, क्योंकि जब रिलेशंस बेहतर होंगे तो ट्रेड भी दोनों कंट्रीज में बढ़ेगा और इस सूरत में चाइना आसानी के साथ सीपे के जरिए हिंदुस्तान की मार्केट्स तक रिसाई हासिल कर सकता है। मगर हिंदुस्तान को चाइना की मार्केट्स तक अपनी एशिया पहुंचाने के लिए एक लंबा सफर करना पड़ेगा और हिंदुस्तान की एशिया समंदरी रूट से ही पहुंचेंगी तो भी चाइना के इस रीजन में जहां इंडियन गुड्स कम्पीट ही नहीं कर सकती, क्योंकि समंदरी रास्ता शंघाई
शंघाई और बीजिंग जैसे डेवलप्ड एरियाज तक जाता है। जो चाइनीज अंडर डेवलप्ड मार्केट्स हैं वो तो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है और इंडिया के लिए ये किसी सूरत मुमकिन नहीं कि वो समंदरी रूट के थ्रू चाइना के किसी पोर्ट से इस पाकिस्तान के बॉर्डर साइड वाली मार्केट तक अपनी गुड्स पहुंचा सके। इस तरह के ट्रेड रिलेशन से तो बेहतर है इंडिया चाइना के साथ दुश्मनी ही बरकरार रखे। इसकी मिसाल आप आजकल इंडिया चाइना ट्रेड वॉल्यूम से लगा सकते हैं। इंडिया और चाइना के ट्रेड में बिल्कुल इस तरह है, इंडिया को चाइना से 10 रुपए कमाने के लिए 270 रुपए खर्च करना पड़ता है और ये हिमाकत इंडिया शुरू से कर रहा है। इसके खिलाफ कई दफा कैंपेन्स भी चलाई गई मगर नाकाम हुई, जिनमें से एक कैंपेन का नाम था यूज मेड इन इंडिया। इस कैंपेन के नतीजे में चाइना की इंडिया को एक्सपोर्ट्स में 10% इजाफा हुआ था। यानी सिंपल अल्फाज में अगर इंडिया चाइना को 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट करता है तो चाइना 540 रुपए की एशिया इंडिया मार्केट्स में डंप करता है, जिससे हिंदुस्तान का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं दूसरे व्यू की तरफ। अगर हिंदुस्तान इन सब चीजों को बर्दाश्त करे, यानी चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज पर भी कम्प्रोमाइज करे और ट्रेड में भी नुकसान बर्दाश्त करे और ये उम्मीद रखे कि चाइना कश्मीर के इश्यू पर इंडिया का साथ दे, तो ये चाइना के लिए मुमकिन ही नहीं। क्योंकि अगर चाइना कश्मीर इश्यू पर इंडिया के साथ देता है तो इसका मतलब है चाइना हिंदुस्तान के इस पॉइंट ऑफ व्यू का साथ दे रहा है, जिसके तहत हिंदुस्तान ने कहा था किसी पे गिलगित बल्तिस्तान से नहीं गुजर सकता क्योंकि ये इलाका कश्मीर का हिस्सा है और चाइना ये अच्छी तरह समझता है। इसलिए कश्मीर के इशू पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। ये सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोगों का यही कहना है। अब इन भाई साहब को सुन लीजिए। चलानी, अ नोन चाइना एक्सपर्ट ऑन द ब्रॉडकास्ट, ब्रह्मा चलानी, वेलकम ऑन इंडिया टुडे। योर एप्रिसिएशन of these statements coming from Beijing just a day ahead of the Chinese President Xi Jinping's arrival in Chennai. He'd be here on the 11th. This is a summit that will be on the 11th and the 12th. What do you make of these statements, sir? First, there is no change in China's policy. China enjoys a very close alliance with Pakistan. In fact, the issue of Jammu and Kashmir has helped cement the China-Pakistan axis. So there can be no change in China's approach toward Pakistan, nor can there be any change in China's approach towards India, because China looks at India as a potential peer rival and seeks to contain India, including by building Pakistan as a military counterweight to India. The second thing that stands out about this informal summit in Mahabalipuram is the Chinese official announcement of President Xi's visit to India. That announcement came this morning, less than 48 hours before President Xi was scheduled to leave for India. Now, that's very unusual. You don't announce your president's visit to an important neighboring country barely 48 hours before the actual summit takes place. And that announcement came only after Beijing had hosted the Pakistani Prime Minister along with the all-powerful Pakistani Army Chief for the third time this year. So only after welcoming Imran Khan and the and Army Chief Bajwa did Beijing officially announce President Xi Jinping's trip to India. ये भी यही कह रहे हैं कि चाइना हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू की हिमायत कभी भी नहीं कर सका क्योंकि कश्मीर का इशू हिंदुस्तान के लिए जितना अहम है उतना ही चाइना और पाकिस्तान के लिए भी है। एक और बात, इंडिया में बहुत सारे टीवी चैनल्स ये कहते फिर रहे हैं कि चाइना कश्मीर के इशू पर अपने मौकफ से पीछे हट गया है, तो ये देख लीजिएगा चाइना और पाकिस्तान प्रेसिडेंट्स का ज्वाइंट स्टेटमेंट है। वेब
एड्रेस भी नजर आ रहा है। आप चाइनीज फॉरेन अफेयर्स के वेब पे जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों का यही मौकिफ है कि कश्मीर का इश्यू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक हल होना चाहिए और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं चाइनीज फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल वेब पेज से। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।